आज की अपनी क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे कि सीक्वल सर्वर में डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप जो होता है वो हम कब क्या करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें दो तरह के डेटा टाइप है। एक तो हम डिक्लेयर करते हैं जब हम एसक्यूएल टाइप करते हैं, लेकिन वो तो हम क्यूरी के समय पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उस कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर होगा, ये हम डेटा टाइप से डिक्लेयर करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो तो पहले डिसाइड करें कि उस टेबल के अंदर क्या क्या फील्ड होगा। अब इतनी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अपना टेबल क्रिएट कर दिया, डेटा डाल दिया, उसके बाद जो कॉलम के फील्ड्स है, उसकी जो डेटा टाइप्स है, सेटिंग्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ पूरा कॉलम डिलीट कर सकते हैं, उसके अंदर आप जो है कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। डेटा के अलावा डेटा चेंज कर सकते हैं, डेटा प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं बना रहा हूँ आईडी दे रहा हूँ आईडी आईडी में बाई डिफॉल्ट डेटा नम कैर या वैर कैर इस टाइप का चला आता है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानते हैं। नंबर में सबसे पहले आता है इंट। क्या आता है? इंट, INT इंट। ये इंटीजर डेटा रखता है, इंटीजर डेटा रखता है। इंटीजर डेटा रखता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम जो है इस पे एक लिमिटेड अमाउंट तक का डेटा डाल सकते हैं विदाउट डेसिमल। अब लिमिटेड अमाउंट कितना डाल सकते हैं, तो वो मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा था उसमें दिया हुआ है, जो वर्ड की फाइल मैंने आपको भेजी थी उसमें दिया हुआ है कि कितना आप डाल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सा अमाउंट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डेज। क्या डाल रहा हूँ? डेज। अब डेज हमारा खास बड़ा नहीं होगा, इसमें हम डाल सकते हैं स्मॉल इंट। क्या डाल सकते हैं? स्मॉल इंट। स्मॉल इंट क्या होता है? स्मॉल इंट भी नंबर लेता है विदाउट डेसिमल, लेकिन ये लेता है -32,767 से +32,767। मतलब कि डेज के अंदर में मैं 40,000 डालूंगा तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 32,767 तक ही है, माइनस एंड प्लस बट विदाउट एनी डेसिमल। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मुझे मंथ डालना है। अब मंथ और भी छोटा है कि भाई 100-150 मंथ होता है, तो मंथ में हम डाल सकते हैं 3 3y इंट। तीन हो गया, सॉरी एक का हो गया, कीबोर्ड में मुझे 3y इंट। 3y इंट क्या करता है कि 0 से 255 लेता है, माइनस नहीं लेगा, क्योंकि मंथ माइनस में नहीं होते हैं इसलिए माइनस नहीं लेगा। अगर आप किसी किसी भी कॉलम का डेटा टाइप 3y इंट करते हैं तो आपका क्या होगा कि आपका 255 से ज्यादा नहीं लेगा। अब मान लीजिए कि मुझे यहां पे स्टेटस देना है, स्टेटस कोड। स्टेटस कोड में मैं 0 या 1 देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? 0 या 1। इसके जगह पर डालेंगे बिट। तो बिट के अंदर में दो ही वैल्यू लेता है, या 0 या 1, 0 या 1। ध्यान दीजिए, हमने इंट लिया तो इंट विदाउट डेसिमल, लेकिन आपका जो है 7-8 करेक्टर पे लेता है, 10 डिजिट। हाँ, 10 डिजिट तक की वैल्यू ये लेगा। स्मॉल इंट करते हैं तो ये स्मॉल इंट क्या करता है, 32,767 से ज्यादा नंबर स्टोर नहीं करेगा। मंथ में लेते, इसमें मंथ क्या लिया हमने, 3y इंट लिया। तो 3y इंट क्या है कि 255 तक ही लेता है, 215 सॉरी हाँ 255, 255 तक लेता है। अगर आपने बिट दिया तो 0 या 1 लेगा। अब बात करते हैं
अगर मान लीजिए मेरा डेसिमल है या बहुत बड़ी अमाउंट है, डेसिमल भी है बहुत बड़ी अमाउंट भी है, तो क्या क्या ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रेट लिखे हैं, तो रेट में हम यहाँ पे इसको डेसिमल कर सकते हैं। अब डेसिमल में आपको देना है कि कितने डिजिट तक का डेसिमल लेना है आपको, तो मैंने बोला कि 2 डिजिट तक का डेसिमल लेना है। डेसिमल के बाद मैं यहाँ पे न्यूमेरिक ले सकता हूँ। मान लीजिए रेट के बाद मैंने यहाँ पे कमीशन दे दिया, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना डिजिट डेसिमल पहले से होगा। डेसिमल पहले से समझते हैं ना, जो डॉट के बाद होता है। मान लीजिए हमने 7.25 किया, तो 2.5 2 डेसिमल प्लेसेस होगा ना। तो जितने डेसिमल प्लेसेस ले रहे हैं, 2 4 यहाँ पे आप रख सकते हैं ब्रैकेट में न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक भी आपका डेसिमल का काम करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और आता है, मेरा जो है बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें हम दे सकते हैं मनी। ठीक है, तो मनी में आपका जो है, मनी में आपका जो है एक बहुत बड़ी अमाउंट कैप्चर करता है। और मान लीजिए कि आपका जो है मनी कम है, कम कम होता है, तो यहाँ पे आप देंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे हमने स्मॉल मनी, स्मॉल मनी, तो स्मॉल मनी जो है वो आपका क्या होता है, वही आपका 6 डिजिट का होता है, 2147848.3648 देता है। तो यहाँ यहाँ देखिए, ऊपर से हमने जो बात किया इंट, बात किया हमने स्मॉल इंट, हमने 3y इंट, हमने बिट किया, ये जो 4 किया ये विदाउट डेसिमल्स लेता है। 2 तो माइनस भी लेता है, बिट और 3 बिट तो माइनस भी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेसिमल, तो डेसिमल प्लेसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं एक बड़ी सी अमाउंट में। मनी आपका न्यूमेरिक भी डेसिमल डाल सकते हैं। तो न्यूमेरिक और डेसिमल का थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हम मनी की बात करें तो मनी पे ज्यादा होता है, कॉस्ट भी ज्यादा होता है। अब आपको यहाँ पे डिसाइड नहीं है कि आपका नंबर कितना डिजिट का होगा, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं फ्लोट। क्या दे सकते हैं, फ्लोट, क्योंकि यूनिवर्सल है, हर जगह पे डाला जाता है। अगर आप कुछ और सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, जैसे कि पावर बीआई पढ़ रहे हैं, तो वहां पे फ्लोट इंट ए से डलती है, तो फ्लोट होता है। फ्लोट के बाद एक हमारा रियल भी होता है, रियल, तो रियल भी एक ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इतने डेटा टाइप आप लिख क्यों रहे हैं, क्यों जानना जरूरी है? देखिए, 2 चीजों की जानना जरूरी है। पहला, कि अगर आपने कोई डेटा टेबल डिजाइन किया है, तो उस डेटा टेबल के अंदर जो कॉलम आपने रखा है, उस कॉलम के अंदर डेटा किस तरह का टाइप होगा, इसकी इसको डिसाइड करना है। इसकी वैलिडेशन के लिए आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन आता है क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि एक छोटा मोटा डेटा ही नहीं डिफाइन होगा। अगर मान लीजिए कि मैंने अगर यहाँ मनी ले लिया है, तो मनी का डेटा का साइज और आपके नॉर्मल इंट डेटा का साइज में डिफरेंट होगा, क्योंकि जो डेटा टाइप डिफाइन करेंगे उसी हिसाब से टेबल की साइज बढ़ेगी। और यहाँ बात अगर एक फुट एक एक फुटबॉल मैदान में सुई की बात हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक फुटबॉल मैदान में सुई के गोदाम का बात हो, तो फर्क पड़ेगा कि जहां पे बहुत सारे सुई उड़ जाएगी, तो कैप्चर कर सकता है पूरी की पूरी फील्ड को। समझ गए? तो जब हम डेटाबेस बनाते हैं, तो लार्ज डेटाबेस होता है, करोड़ों अरबों का डेटा होता है, तो उसमें हमें छोटा छोटा साइज भी हमारे सर्वर की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम कर सकता है। डेटा इंपोर्ट करते समय,
प्रॉब्लम हो सकती है। डेटा किसी और पीसी से अगर एक्सेस हुआ तो उस पीसी की कैपेसिटी अगर लो रही तो डेटा हैंग हो सकता है, दिक्कत कर सकता है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जहां पे डेटा साइज डिफाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम नंबर के बारे में समझ में आ गया आपको, नंबर के सारे डेटा समझ गए, किसी को दिक्कत? हेलो, राम प्रसाद जी, कोई दिक्कत आपको? हाँ चलिए, हाँ बात करते हैं करेक्टर के ऊपर। करेक्टर, अगर हम मान लीजिए कि करेक्टर का ऊपर करते हैं तो क्या करें? तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैं यहां पे नेम देता हूं, तो नेम में एक आता है आपका कैर, कह रहा है तो कैर के अंदर बाई डिफॉल्ट 10 आएगा, लेकिन इसके जगह पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कितना डाल सकते हैं इसमें? तो आप 8,000 से ज्यादा लेटर नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर आप कैर लेते हैं तो 8,000 से ज्यादा लेटर नहीं डाल सकते। ऐसे में यहाँ पे आता है एड्रेस में वैर कैर, क्या आता है? वैर कैर। तो वैर कैर भी 8,000 से ज्यादा करेक्टर नहीं देते। इसको बोलते हैं ऊपर जो हो गया, क्या बोलते हैं, फिक्स लेंथ नॉन यूनिकोड करेक्टर, और इसको बोलते हैं आपका कि वेरिएबल लेंथ नॉन यूनिकोड करेक्टर। तो दोनों एक ही जैसा होता है, बस एक वेरिएबल होता है, बस डेटा का अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो 8,000 से ज्यादा इसमें भी आप नहीं डाल सकते। फिर आता है वेर कैर के बारे में, अब एक आता है वेर कैर मैक्स। यहाँ पे वेर सिटी, वेर कैर, यहां पे हम डालते हैं मैक्स। वेर कैर मैक्स में क्या होता है कि वेर कैर मैक्स के अंदर में इसकी जो मैक्सिमम लेंथ बाय डिफॉल्ट सेट होता है 231। तो इसका यूज हम लोग सर्वर 2025 में करते थे कि इसकी फिक्स होता है 250 करेक्टर से ज्यादा, 51 मतलब 251 करेक्टर से ऊपर लेगा ही। फिर आता है आपके सामने पास आता है क्या, टेक्स्ट। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कमेंट देना चाहता हूँ, अब कमेंट में मेरा कितना करेक्टर होगा ये पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पेज बुक देना है, तो ऐसे कैर में हम देते हैं टेक्स्ट। तो टैक्स के अंदर क्या होता है कि इसमें आपका करोड़ों में होता है, 2127484867, मतलब कि बहुत बड़ी करेक्टर को इसके अंदर हम डाल सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और फादर नेम दे रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, अगर हम एन कैर भी दे सकते हैं, एन कैर को बोला जाता है नंबर कैर, नंबर कैर। ठीक है, फिक्स लेंथ यूनिकोड करेक्टर इसको भी बोला जाता है एनकैर को, और इसके अंदर हम 4,000 तक की लिमिट, 4,000 करेक्टर की लिमिट इसमें होती है कि मैक्सिमम 4,000 आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है आपका एन वेर करेक्टर, नंबर वेरियंस करेक्टर बोलते हैं। इसके अंदर जो है भी हम इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ यूनिकोड करेक्टर, इसके अंदर भी हम 4,000 तक का करेक्टर डाल सकते हैं, बस सबके साइज में थोड़ा सा माइनर फर्क होता है और कुछ नहीं। और एक आता है एनवी एनवी कैर, एनवी कैर, और इसके अंदर आता है मैक्स। क्या आता है? मैक्स, एनवी कैर, इसके अंदर मैक्स आता है। ये आपका जो होता है ये क्या होता है, इसमें कितना डाल सकते हैं, 231, इसमें भी डाल सकते हैं 2,000
2005 का चले। उसके बाद यहाँ पे बाइनरी है आपका, बाइनरी इसके अंदर 8,000 तक का लेंथ हम डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाइनरी कोई भी कैरेक्टर डालेंगे वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव, इसको बोलते हैं फिक्स लेंथ बाइनरी डेटा। उसी तरह से यहाँ पे आपका वैर बाइनरी होता है, वैर बाइनरी के अंदर भी हम 8,000 कैरेक्टर ले सकते हैं, इसको बोलते हैं वेरियंस बाइनरी डेटा। और फिर इसमें टेक्स्ट तो मैंने बताया था आपको, टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेट एंड टाइम की। अगर मान लीजिए मुझे डेट डालना है तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे तो वो क्या करेगा, डेट फॉर्मेट में लेगा, या टाइम डालना है तो हम टाइम डालेंगे टाइम। और फिर एक आता है आपको डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमें एक्सएमएल की पूरी डेटा को, आपने एक्सएमएल का डेटा देखा एक कोड की तरह होता है, एचटीएमएल कोड की तरह होता है, तो कभी कभी हमें वो डेटा पूरा स्टोर करना होता है, उसको बोलते हैं एक्सएमएल, एक्सएमएल डेटा टाइप। ये डेटा यूज होता है कि आप एक्सएमएल फॉर्मेट में कोई डेटा यूज करना चाहते हैं, एक्सएमएल के कोड वगैरह लिखेंगे तो वो एज एक्सएमएल फाइल करेगा। अब यहां पे एक और आता है, वो आता है ज्योमेट्रिक डेटा, ज्योग्राफिकल डेटा होता है ना, ज्योग्राफी ज्योमेट्री है, जियोमैट्री, जियोमैट्री, जियोमैट्री डेटा टाइप जो होता है उसमें क्या होता है, जो ज्योमेट्रिकल होते हैं जैसे कि लाइन हो गया, पॉलीगॉन हो गया, डेटा सेट टेबल हो गया, ऐसे ज्योमेट्रिकल डेटा को स्टोर करते हैं। हालांकि डेटाबेस में इसका यूज इतना खास नहीं होता, लेकिन मैं बता देता हूँ, जब पढ़ा रहा हूँ तो सब कुछ बता देता हूँ। और ये जो डेटाबेस पढ़ा रहा हो ना, ये सब में यूज होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में यूज होता है, ये सब में यूज होता है। माई एसक्यूएल में जाएंगे तो वहां भी आपको इंट, बिग इंट, डेसिमल, फ्लोट मिलेगा, करेक्टर में आपको कैर, वेर कैर, टेक्स मिलेगा, डेट एंड टाइम में डेट टाइम, और वहां पे टाइम स्पैम स्टैम्प मिलेगा, टाइम स्टैम्प। बाइनरी में भी आपको वही मिलेगा, बुले वहां पे एक बुलन डेटा होता है, इसमें इसमें है बुलन डेटा, नहीं इसमें बुलन नहीं है, इसे बुलन की जगह पे वो था बिट था। बुलन मतलब कि जस्ट ट्रू एंड फॉल्स ही लेगा, ट्रू एंड फॉल्स ही लेगा। ये डेटा टाइप हम लोग डिफाइन करते हैं, समझ में आ गया आपको डेटा टाइप। और डेटा टाइप को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे चल के जो कंडीशंस है वो डेटा के अकॉर्डिंग ही लगेगा, जैसा डेटा वैसा लगेगा। दूसरा चीज कि उसी के अंदर आपका डेटा ऐड भी होगा, अगर आपने डेटा कुछ और रखा है और ऐड कुछ और कर रहे हैं तो नहीं, तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो डेटा समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम क्यूरी कैसे लिखेंगे। क्यूरी कैसे लिखेंगे, अब जरूरत होती है कि क्यूरी की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए हम आपको क्यूरी के बारे में समझाते हैं। जैसे आईपीटी के अंदर आप देखेंगे या फिर एसएस के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं,
मान लीजिए कि मुझे इसमें से जो एक डेटा वाला टेबल का डेटा है मुझे देखना है, तो राइट क्लिक करके मैं सिलेक्ट डेटा कर सकता हूं, यहां पे इसको देख सकता हूं। ठीक है, तो ये जो सिलेक्ट क्यूरी है यही यूज करता है। ऐसे क्यूरी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कैसे क्यूरी लिखेंगे, यहां ऊपर आपको दिख रहा होगा न्यू क्यूरी, इस न्यू क्यूरी पे क्लिक कीजिए और यहां पे लिखिए सिलेक्ट। देखिए क्यूरी जो मैंने आपको शुरुआत में जो दिया था, क्या बोलते हैं, जो आर्टिकल दिया था पीडीएफ में पढ़ने के लिए, उसमें था कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, चार मेन सेक्शन है आपको पढ़ने के लिए। तो सिलेक्ट क्या होता है कि डेटा को देखने के लिए, इंसर्ट डेटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेट आपको एग्जिस्टिंग डेटा को कोई चेंजिंग करने के लिए, और डिलीट डिलीट करने के लिए होता है। तो हम पहले सिलेक्ट की बात करते हैं, तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। अब यहां पे देखिए हमने इसको रन किया, डेटा आ गया। तो कई बार क्या होगा कि आपके मेरे पास कई सारे डेटाबेसेस हैं और कई बार बहुत सारे टेबल जो है आपस में लिंक होंगे। ठीक है, आपस में लिंक होंगे, जैसे कि डीटी। अब मैं यहां पे डीटी रख दूंगा, मान लीजिए डीटी, तो इसमें हो सकता है कि एरर आए। क्यों? क्योंकि डीटी जो है आप जो देखेंगे कि हमारे एक और टेबल है, उस एक और डेटाबेस है, उसमें भी डीटी है, एरर डीटी, और यहां भी डीटी। तो अभी कैपिटल स्मॉल का फर्क इसमें नहीं होता है, तो बड़ा डीटी कर दिया तो देखिए फिर मारा। लेकिन मुझे जो चाहिए इसका डेटा चाहिए, इसका डेटा चाहिए, इस डीटी का डेटा चाहिए। तो यहां पे आपका इसका पूरा एड्रेस देना होगा। कैसे? आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका नाम देना होगा, इसका इसका क्या बोलते हैं डेटाबेस नेम, जो कि है डी टी ए, या लिखिएगा डी टी ए, फिर डॉट डी वी ओ, डी वी ओ यहां पे लिखेंगे डॉट डी टी, तब जाके वो उसको कंसीडर करेगा। क्या कंसीडर? तो किसी भी टेबल से डेटा लाने का क्या कोड है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब स्टार क्यों दिया? अब स्टार इसलिए दिया कि मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए। क्या चाहिए? पूरा का पूरा डेटा चाहिए। और फिर फ्रॉम किससे चाहिए वो यहां पे दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मली डीटी देता हूं तो मेरे डीटी वाले टेबल से ले गया। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए होता है, मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए होता है, मुझे कुछ कुछ फील्ड चाहिए। तो यहां पे हम अपने कॉलम का फील्ड देंगे कि मुझे आईडी चाहिए, डेट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, और जरूरी नहीं है, मान लीजिए मुझे अपने सीक्वेंस में भी चाहिए, सेल्स वैल्यू चाहिए, और साथ में मैंने यहां लिखा कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। अब मैं इसको रन करूंगा तो जो सिलेक्टेड कॉलन है वही कॉलन आएगा। ठीक है, अब इसका यूज जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक्सेल में इस पे करें। अब जैसे मान लीजिए एक्सेल है, मुझे इस एसक्यूएल का डेटा इसमें लेके आना, ये डेटा जो मुझे एक्सेल में चाहिए, तो कैसे करें? दो तरीके, एक है कि मैं डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक्सेल फाइल बनाना पड़ेगा और मेरा डेटा लिंक भी नहीं रहेगा। या फिर यहां से भी कॉपी कर सकते हैं आप, यहां दिख गया कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऊपर दिख रहा होगा आपको कि रिजल्ट, रिजल्ट एज ए टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट कर दिया तो रिजल्ट इस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट में, नोटपैड के फॉर्मेट में आएगा। अगर मैंने इसको यहां पे कर दिया फाइल, तो क्या होगा, एग्जीक्यूट करते ही आपका फाइल सेव करेगा किसमें, आरपीटी फाइल, आरपीटी फाइल में सेव करेगा, कुछ वर्ड की तरह वही होता है। देखिए यहां पर एसएस नाम से सेव किया। अब इसको मैं ओपन करूंगा,
ओके कीजिए, ये देखिए लग गया इस तरह का फॉर्मेट सेव करें। लेकिन ये आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक स्टेटमेंट या बहुत सारे कंपनीज में इस तरह के प्रिंट आउट निकलते थे, तो वो आरटीपी रिपोर्ट्स होती है। और यहां जो तीसरा आता है ग्रीड पे क्लिक कर दिया तो रिजल्ट आप जो एज ए ग्रीड दिखेगा। लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए तो कैसे चाहिए, तो मैंने एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं। मुझे पूरा डेटा एक्सपोर्ट नहीं करना है, मुझे पर्टिकुलर कॉलम्स या कुछ जो कंडीशंस लगा रहे हैं वही एक्सपोर्ट करना है। तो मैं यहां इसके ऊपर डेटा आपका जो डेटाबेस डीटीए है इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और टास्क में जाऊंगा। टास्क में मैं करूंगा एक्सपोर्ट, नेक्स्ट। अब यहां से शुरू करूंगा अपना डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है, मेरा नेटिव क्लाइंट है और इसका डीटीए डेटाबेस है। एंड देन नेक्स्ट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में एक्सेल सेलेक्ट किया और अपनी एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं यहां पे और डी ड्राइव में आता हूं, डीएस एसक्यूएल ने इसी को चूज कर लिया। देन ओपन एंड इसको नेक्स्ट करते हैं, राइट स्पेसिफिक क्यूरी पे आते हैं और यहां पे अपनी इस क्यूरिंग को पेस्ट कर क्यूरी को, फिर नेक्स्ट। सॉरी 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 सॉरी, डेस्टिनेशन जो चूज किया है उस पे भी होना चाहिए, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है सर। अच्छा, रीड ओनली में, क्योंकि सर्वर इसको ओपन कर रखा है और इसको जो है इसको बैक करते हैं। मतलब कि आपको जहां इसमें थोड़ा दिक्कत होता है एक्सपोर्ट करने में, कि अगर आप पूरा सीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे चाहिए मान लीजिए आईडी, डेट, क्वांटिटी, तीन ही चाहिए, मान लीजिए तीन ही कॉलम चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं, बंद करता हूं सभी क्लाइंट। अब आता हूं इस पे, राइट क्लिक करता हूं, टास्क, एक्सपोर्ट, नेक्स्ट, सोर्स, डीटीए सही है, नेक्स्ट, डेस्टिनेशन एक्सेल फाइल, और यहां पे हम एसक्यूएल वाला जो है डीएस एसक्यूएल ओपन करते हैं, नेक्स्ट, राइट द क्यूरी, द नेक्स्ट, और क्यूरी राइट कर दिया और सेल्स आईडी, ये जो चीजें है ना ये सब हटा देता हूं। देन नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है यहां पे, डी टी ए डॉट डी बी डी बी ओ डॉट
प्रिपेयर कर नॉट कमांड सेट स्टेटस टू बी इनवैलिड कॉलम क्वांटिटी विद और आईडी। मैक्रोसॉफ्ट से काम करता हूँ, स्टार्ट लगाता हूँ तो होगा। अच्छा ओ, गलती कर रहा था सर, क्योंकि हम जो डेटा ले रहे हैं ईस्ट डीटी को ले रहे हैं ना, एसएस में ले रहे हैं ना। यही दिक्कत है। बैक इसको डिलीट कर देता हूँ। बैक 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 डी टी ए नहीं होगा, ई एस एस होगा यहाँ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब यहाँ पे टेबल नेम क्यूरी है, चलेगा। द नेक्स्ट, ये आ गया डेटा। द नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। 18 रो कंप्लीट हो गया। अब आप जाके देखेंगे अपने फोल्डर में अपने डीएस एसक्यूएल को, इसके अंदर एक क्यूरी नाम का आ गया, इसमें डेटा आ गया सर। बट ये डेटा आपके ओरिजिनल डेटा से लिंक नहीं है, समझे? तो इस केस में हम इसके अंदर डायरेक्ट कर देते हैं, इसके अंदर डेटे करते हैं कि डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। अब यहां पे अपना सर्वर नेम लिखेंगे, जो भी सर्वर नेम है, तो यहां से लिंक कर लेता हूं मैं, कॉपी कर लेता हूं। सर्वर नेम विथ पाथ, कनेक्ट करते समय जो होता है वो लेना है, यहां पे लिखना है अपना डेटाबेस जो कि एसएस एसएस लिखना है। अब यहां ऑप्शंस में आएंगे। एक तो हुआ कि हम नेक्स्ट करके पूरा टेबल लिंक कर ले, तो पूरा टेबल लिंक करना नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है। फिर मैं यहां पे अपनी कमांड एसक्यूएल कमांड लिखूंगा, जो भी एसक्यूएल कमांड हमारी है वो मैं यहां लिखूंगा। बस इसी को मैंने ले लिया कॉपी और ये ले लिया पेस्ट। देन ओके, ये रन होगा और मेरा उतना ही डेटा आएगा जितना मैंने कमांड में लिखा हो। देन लोड, और देखिए एक नई सीट पे लोड हो गया, और लोड होने के साथ साथ ये मेरे डेटा में कनेक्टेड भी है। कि डेटा के मान लीजिए कि मैं डी टी पे गया, राइट क्लिक किया, एडिट 2000, और 100 नंबर आईडी के सामने जो क्वांटिटी 255 है इसको मैं 500 कर दिया, ठीक है। मैंने मैनुअली चेंज किया या कहीं और से चेंज हुआ। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, देखिए 500 हो गया। तो बोलेंगे सर हम तो इसमें हमें क्यूरी की क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं कि हम फ्रॉम डेटाबेस में गए और यहां अपना सर्वर नेम, में यहां से सर्वर नेम विद पाथ को कॉपी किया, आईडी पासवर्ड है तो डाला, यहां पे एसएस करके डाला, देन ओके। अब यहां पे सारे टेबल्स मेरे पास आ गए, तो डीटी वाला टेबल को सिलेक्ट किया एंड मैंने इसको लोड कर दिया। क्या लग रहा है, ये सही है, ये ठीक रहेगा, या फिर मैंने जो क्यूरी लिखा है वो ठीक रहेगा, बताइए आप लोग। हेलो, हेलो, क्या हुआ सर, सुनना है क्या? बोले मैंने जो क्यूरी वाले क्यूरी लिख के इंपोर्ट किया वो सही था, या डायरेक्ट टेबल लिंक किया वो सही, बताइए क्या सही, क्यों सही था, क्यों था, क्यों था सही?
रीजन बताइए। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं यार, ये तो इसने देखिए क्यूरी ने क्या किया, आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। देखिए क्यूरी ने क्या किया कि मुझे डेटा मेरे क्यूरी के अकॉर्डिंग दिया, ठीक है, और डायरेक्ट टेबल जो लिंक किया उसने क्या किया, पूरा टेबल का डेटा दिया। इसमें दिखने में अच्छा और खराब के तो बातें नहीं है, ठीक है ना। हाँ बोलिए बोलिए सर, हेलो करके रह गए। जी हाँ, ये आपने सही पॉइंट बताया। हाँ आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर। हाँ जी, देखिए रिक्वायरमेंट भी सही है लेकिन हर जगह पे रिक्वायरमेंट नहीं चलता, यहाँ पे लिमिटेशन की बात आती है। आप एसक्यूएल जब यूज करोगे तो क्या लग रहा है कि आप 10,000 15,000 20,000 का डेटा एसक्यूएल में होगा। जो कंपनी एसक्यूएल यूज कर रही है, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने घर के जो गैरेज आपने बनाया हुआ है, जो घर का जो गोडाउन है, स्टोर रूम बनाया हुआ है, आप मुश्किल से उसमें 10 20 50 सामान रखेंगे, राइट। लेकिन किसी ने अगर वेयर हाउस बनाया है तो वेयर हाउस में वो 10 20 50 सामान रखने के लिए बनाया है। वेयर हाउस उसी को जरूरत पड़ी है जिसको लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में उसके पास आइटम्स है, जिसको वो कहीं पे अच्छे से स्टोर नहीं कर पा रहा, तभी यूज करेगा ना। कई ट्रक का सामान है, उसी तरह से हुआ कि जो एसक्यूएल डेटाबेस यूज करेगा तो उसके टेबल के अंदर जो डेटा होगा वो डेटा उतना नहीं होगा जो कि एक्सेल पे आ जाए। डेटा 50 लाख करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ हो सकता है, तो उस डेटा को डायरेक्ट हम एक्सेल पे लिंक करेंगे तो क्या होगा, एक तो हैंग तो होगा ही होगा, साथ में अगर डेटा आया भी तो 10 लाख से ज्यादा डेटा नहीं आएगा, ठीक है। चाहे हम इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, चाहे जो भी कुछ करें, ऐसे केसेस में हम क्यूरी लगाते हैं, क्योंकि जब हमें डेटा, मान लीजिए कि मेरे पास 10 साल का डेटा है और मुझे मान मार्च का रिपोर्ट बनाना है, तो 10 साल का डेटा लेके क्या करूंगा मैं, हमें तो मार्च का डेटा चाहिए ना। तो क्यूरी में मैं लिख दूंगा कि मुझे मार्च महीने का डेटा चाहिए जो कि 20 25 50 हजार डेटा है, वो चाहिए, तो मुझे एसक्यूएल वही डेटा देगा ना। इसीलिए क्यूरी जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें क्यूरी की क्या जरूरत है, जब डेटा इंपोर्ट ही करना है ना, तो डेटा तो डायरेक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें क्यूरी की क्या जरूरत है। तो हम बोलते थे कि डेटा डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, डेटा जब आपके पास स्मॉल है, एक लिमिटेड मात्रा में डेटा है तो डायरेक्ट कर लीजिए। अगर आप लिमिटेड मात्रा में डेटा है तो आपको एसक्यूएल की जरूरत ही नहीं है, आप डेटा को एक्सेल पे रख लीजिए। एसक्यूएल पे हम तब रख रहे हैं ना जब डेटा हमारा लार्ज है, जब डेटा लार्ज है तो एक्सेल पे डेटा आएगा ही नहीं ना, ठीक है। और चलो मान लीजिए कि एसक्यूएल का हटाइए, हम पावर बीआई, आपकी क्लासेस पावर बीआई की चलती है, पावर बीआई पे डेटा लाते, पावर बीआई में तो लिमिटेशन कोई चक्कर है नहीं, वो तो डेटा इंपोर्ट लेता है। लेकिन प्रॉब्लम वही आ गई ना कि मुझे अगर मार्च महीने की रिपोर्ट बनानी है तो मैं एसक्यूएल के अंदर, पावर बीआई के अंदर पूरे साल का डेटा लाके पावर बीआई को हैंग क्यों करें, क्या अननेसेसरी। तो समझ में आया कि क्यूरी क्यों जरूरत है सर। और आपके ऑफिस में इस सारे क्यूरी इसी तरह से लिखने होंगे ताकि डेटा आप अपने हिसाब से इंपोर्ट करें, राइट। आगे की आने वाली 10 10 क्लासेस में आपको मैं ही सिखाऊंगा, तो आपकी जो 10 क्लासेस की काउंटिंग है यहां से शुरू होगी, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसकी कीजिए प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्लास से हम क्यूरी शुरू करेंगे, ठीक है।